मैनेजिंग प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर डिवल्पिंग लैंग लैंग्वेज डी स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे मैनेजिंग डिवल्पिंग लैंग्वेज एक्टिविटीज़ यानी लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से हमने कैसे एक्टिविटीज़ को प्लान करना है फिर उनको मैनेज करना है इस पर बात करेंगे सो लैंगेज डिवल्पमेंट इन्वॉल्व द डिवल्पिंग ऑफ अ लैंग्वेज प्रोग्राम्स यू बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ लैंग्वेज ऑडिट तो जब भी कोई हम टीचिंग या लर्निंग का प्रोग्राम शुरू करते हैं जैसे ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोग्राम है तो सबसे पहले उस ल, उस प्रोग्राम की प्लानिंग होती है फिर उसको डेवलप किया जाता है और वो नीड बेस होता है बच्चों की नीड्स के हवाले से और वो उनके आडट की बेस पे होता है दिस प्लान इंक्लूड क्या है लैंग्वेज ट्रेनिंग पॉलिसी तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो पॉलिसी क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से और फिर लैंग्वेज प्रोग्राम दैन सेकेंड नंबर पर लैंग्वेज प्रोग्राम मैनेजिंग एंड प्लानिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज के हवाले से ये एक प्रोसेस है प्लानिंग का उसकी एक्टिविटीज़ आपके सामने ये एक पिक्चर्स फ्लैश हो रही है सो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग लैंग्वेज ट्रेनिंग में क्या है लैंग्वेज ऑडिट सबसे पहले उस लैंग्वेज का ऑडिट किया जाता है यानी उसके की नीड्स या उसके करेक्ट्रिस्टिक्स को देखा जाता है फिर लैंग्वेज स्ट्रैटेजी और लैंग्वेज ट्रेनिंग पॉलिसी लैंग्वेज स्ट्रैटी क्या होगी कैसे लैंग्वेज को हमने टीच करना है और लैंग्वेज ट्रेनिंग पॉलिसी क्या है यानी बेसिक डिसीजन होते हैं पॉलिसी के ये रूल्स रेगोलेशन या सेट पैटर्नस होते हैं फिर नीड एनालिसिस किया जाता है जिन बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है उनकी नीड्स का जायज़ा लिया जाता है और फिर उसकी बुनियाद पे आगे लैंग्वेज प्लानिंग की जाती है और फिर लैंग्वेज प्रोग्राम डेवलप किया जाता है और तब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है यानी ट्राई आउट किया जाता है और उसके बाद फिर एवेलन एंड फीडबैक तो लास्ट पे जब हम कुछ वक्त के लिए उसको पढ़ा लेते हैं या उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उसकी एवेल्यूशन की जाती है और उस पर फीडबैक लिया जाता है और फिर जो नेक्स्ट साइकिल में उसकी इम्प्रूवमेंट की जाती है लैंग्वेज ट्रेनिंग पॉलिसी इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजीज ऑफ कंपनी जो इदारा लैंग्वेज डेवलपमेंट के लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बना रहा हो उसकी पॉलिसी क्या है ये उसकी उस पर बेस करती है एंड विल रिमेन द सेम ओवर अ पीरियड वो काफ़ी अरसे तक एक जैसी रहती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी चेंज यानी यहाँ तक कि वो पॉलिसी गवर्नमेंट वो इदारा चेंज कर ले अ लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ द एनुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लैंग्वेज ट्रेनिंग तो ये जो पॉलिसी पौ, की बुनियाद पे प्रोग्राम बनाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एक साल के लिए या कुछ वक्त के लिए और विच इज़ बाउंड चेंज ऑन अ रेगुलर बेसिस तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं हमेशा इनमें तब्दीलियाँ की जाती हैं ये फ्लैक्सीबल होते हैं और नीड बेस इन में जो फीडबैक्स ले मिलता रहता है टीचर्स से या स्टूडेंट्स से तो उसकी बेस पर इनमें तब्दीलियाँ की जाती रहती हैं अब नीड एनालिसिस एनालिसिस कैसे करते हैं नीड एनालिसिस आर प्रैक्टिकल टूल्स यूज इन लैंग्वेज प्लानिंग फॉर फाइंडिंग आउट द करंट लेवल एंड एंड प्रोफाइल्स ऑफ पर्सनस लैंग्वेज स्किल्स तो बच्चों के जो पर्सनल स्किल्स हैं और उनका जो करंट लेवल है इसके लिए कोई क्वेश्चनर यूज़ कर सकते हैं या कुछ उनके साथ इंटरक्टिव सेशन के साथ कर सकते हैं इस तरह उनकी इसका नीड एनालिसिस किया जाता है एंड हेज़ आर हर जनरल लैंग्वेज बैकग्राउंड तो जिस बैकग्राउंड में बच्चे की लैंग्वेज एक्विजीशन हो रही होती है उसका उसकी स्टडी की जाती है तो नीड एनालिसिस Uh, की एक्टिविटीज़ इस, इस तरह की जाती हैं ये स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक पिक्चर्स uh, है या एक टेबल फ्लैश हो रहा है इसमें डिज़ाइनिंग एंड इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज टीचिंग इन एजुकेशनल सेक्टर तो हम एजुकेशनल सेक्टर में इसमें कैसे होता है सबसे पहले है रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन तो रिसोर्स के हवाले से देखने के हाउ आर द रिसोर्स फॉर लैंग्वेज ट्रेनिंग डिसाइडेड डिसाइडेड ऑन तो किस तरह मतलब वो लैंग्वेज के रिसोर्स डिसाइड किए जाते हैं इज दिस द बेस्ट मैथड फॉर क्या ये बेहतरीन मैथड है इस सिलसिले में फिर हाउ आर लैंग्वेज रिसोर्स सूटेड टू द गोल्स ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन वगैरह यानी जो आपने एजुकेशन देनी है उसके ये गोल्स ये लैंग्वेज रिसोर्स जो हैं वो उन गोल्स को पूरा करते हैं हाउ आर द रिसोर्स इन बैलेंस विद द नीड इन द स्टूडेंट्स फ्यूचर वर्क प्लेस तो क्या वो बच्चों की नीड्स और उनकी फ्यूचर वर्क प्लेस के हवाले से भी काम देगा फिर वट आर द स्किल्स टू स्टूडेंट्स लर्न इन द लैंग्वेज रिसोर्स बेस्ड लैंग्वेज तो उनको किस तरह के स्टूडेंट्स को स्किल्स चाहिए जो उनको लैंग्वेज कोर्सेज कराने के हवाले से उनको कराए जाएं और फिर हाउ द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट लैंग्वेज ट्रेनिंग विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल इन ऑर्गेनाइजेशन तो किस तरह मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है उनको लैंग्वेज ट्रेनिंग के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दी जानी चाहिए जो उनके लिए काबिल फ़हम हो इस तरह के ये सवाल हैं फिर है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ट्रेनिंग पहले रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस का जायजा था अब डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ट्रेनिंग उस सिलसिले में भी कुछ सर्टन क्वेश्चन हैं जिनका देखा जाना या उनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है हाउ लैंग्वेज ट्रेनिंग करेंटली बींग डिवेल्प्ड तो इस वक्त कौन सी प्रैक्टिस है कैसे लैंग्वेज डेवलप की जा रही है क्या वो कोई ट्रेडिशनल मैथड है या उसमें चेंज करने की ज़रूरत है विद पार्टीज शुड इन्वॉल्व इन द डिवलपमेंट प्रोसेस क्या स्टेक होल्डर्स को उस ट्रेनिंग डिवेलपमेंट प्रोग्राम के लिए उनकी राय लेना ज़रूरी है हाउ हैव द रिफॉर्म सजेस्टेड बाय द इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्टर्स जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने क्या रिफॉर्म्स बताई हैं हाउ ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड तो जो ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन है वो कैसे कलेक्ट की गई है वगैरह इस तरह के फीडबैक कैसे हासिल किया फिर नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रेनिंग के हवाले से कम्पिटेंस और डेवलपमेंट तो लैंग्वेज ट्रेनिंग के हवाले से कम्पिटेंस कैसे डिवेल्प की जाए हाउ आर न्यू लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स हेल्प टू एंटर द प्रोफेशन तो नए जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो किस तरह इस पेशे में दाखिल होंगे हाउ डज लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स वर्क लोड अलाउ फॉर डिवेल्पिंग क्वालिटी टेस्ट टीचिंग तो क्वालिटी टीचिंग के हवाले से उनका वर्कलोड कैसा होगा टू वट एक्सटेंट द ट्रेन इज़ द ट्रेनर्स स्पेशल एक्सपर्टीज यूटिलाइज तो उनकी स्पेशल एक्सपर्टीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है हाउ आर लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स प्रोफेशनल तो किस तरह लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो किस हद तक प्रोफेशनल हैं ये कैसे हैं अब उस नेक्स्ट जो मरहला है उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज टीचिंग अब लैंग्वेज टीचिंग की इम्प्लीमेंटेशन का जो लास्ट मरहला है हाओ डू द कॉन्टेंट्स ऑफ लैंग्वेज कोर्स कंपेयर विद करिकुलम उसको करिकुलम के साथ किस तरह कम्पेयर किया जा रहा है मटीरियल को या और फिर हाउ द टाइमिंग स्यूटेबल फॉर स्टडिंग ऑफ लैंग्वेज द स्टूडेंट्स स्पेशलिस्ट फील्ड जो स्टूडेंट किसी खास फील्ड में जो स्टडी करेंगे लैंग्वेज का उसमें उनका किस हद तक उनका जो टाइम उनको स्यूटेबल है हाओ आर द मैथड स्यूटेबल फॉर स्किल रिक्वायर्ड एटवर्क तो काम पर जो स्किल्स जिनकी ज़रूरत है वो किस तरह है मुनासिब हैं तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए इसमें रिसोर्स को भी देखा जाता है ट्रेनर्स को भी देखा जाता है टाइम शेड्यूल को भी देखा जाता है ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं ट्रेनिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हुए